दिल्ली से एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। दिल्ली से खबर, ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत नरसिम्हा की तीन जजों की बेंच करेगी सुनवाई, यह अहम जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में करीब 11 बजे के बाद होगी सुनवाई ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामला 9 नंबर पर लगा हुआ है। माना जा रहा है कि करीब 11 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है इस मामले पे। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, बेहद ही अहम दिन आज ज्ञानवापी मामले को लेकर। जिस तरह से वाराणसी कोर्ट में भी आज सुनवाई होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और अन्य को नोटिस जारी करके सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सुरक्षित रखने का दिया था आदेश और मुसलमानों के जाने पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी, इस बात के खास निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए थे। तो आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में होगी सुनवाई, अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रेसिडेंट एडिटर अमित दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, आज दिल्ली में ज्ञानवापी मामले को लेकर सुनवाई होने वाली, आज बेहद ही एक अहम दिन माना जाए क्योंकि वाराणसी कोर्ट में भी तमाम मामलों पर आज सुनवाई होगी और आज दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ जो है पूरे मामले की सुनवाई कर रही है और सबसे अहम बात की जो मस्जिद कमेटी के लोग जो खास तौर पे चाहते थे कि निचली अदालत के डिसीजन पे सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए, उस पर रोक नहीं लगाई गई थी। निचली अदालत के डिसीजन पे कोई रोक नहीं लगाई गई थी और दूसरा वही सारी चीजें जो है वो कंटिन्यू है जो निचली अदालत बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कही है कि शिवलिंग वाली जगह को सुरक्षित रखा जाए और मुसलमानों को नमाज अदा करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, जैसी स्थिति चल रही थी उसी तरह रखा जाए। लेकिन खास तौर पे अगर हम हफेजा अहमदी की बात करें जो कि मुस्लिम पक्ष के वकील है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस कार्रवाई को न सिर्फ रोका जाए बल्कि जो जिस तरह से हिंदू पक्षकार लगातार कह रहे हैं कि वजू का जो स्थान है वहां पे जो तालाब बना, जो पानी भरा है, उस पानी को हटाया जाए, उसे खाली कराया जाए और उसके बाद फिर उसकी जांच हो, उसकी वीडियोग्राफी हो, क्योंकि उसके अंदर अन्य कई सबूत हो सकते हैं, तो बल्कि इसे भी रोका जाए। तो दोनों अपनी मांगों के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज का डिसीजन काफी अहम होने वाला है क्योंकि मुस्लिम पक्षकार को जो पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा जा रहा है उन लोगों को भी उम्मीद है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इसे लेके कोई ना कोई फैसला जरूर देगा। जी, जिस तरह से हिंदू पक्ष तमाम दावे कर रहा है, शिवलिंग मिलने का भी दावा यहाँ पे किया गया हिंदू पक्ष की ओर से, तो जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, हिंदू पक्ष अपने दावे जरूर रखेगा इस सुनवाई में, लेकिन अगर माना जाए मुस्लिम पक्ष की बात करें तो अपने बचाव में कौन से ऐसी खास दलीलें हैं जो मुस्लिम पक्ष पेश कर सकता है? देखो, 1947 के बाद जो 1991 का एक्ट है उसके तहत मुस्लिम पक्षकार उसकी दलीलें दे रहे हैं कि जो निर्माण जिस तरह का है, खासतौर पर धार्मिक निर्माण जिस तरह का है, उससे कोई छेड़छाड़ ना की जाए, उसे उसी तरह से रखा जाए। इस बात को लेके जो है वो खासतौर पर मुस्लिम कमेटी के जो लोग हैं वो आश्वस्त हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसे देखते हुए डिसीजन देगा, जबकि हिंदू पक्षकार जो है इस बात को साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहले से ही लगातार दावा किया जा रहा है कि वहां पर शिवलिंग है। और दूसरी बड़ी चीज है कि अब क्योंकि वीडियोग्राफी जो निचली अदालत ने आदेश दिया था उसके अकॉर्डिंग वीडियोग्राफी ना सिर्फ हो चुकी है बल्कि निचली अदालत में रिपोर्ट भी सबमिट हो गई है, तो जाहिर तौर पर उस रिपोर्ट में जिस तरह शिवलिंग का दावा किया जा रहा है और हिंदू पक्षकार ये भी कह रहे हैं कि ना सिर्फ शिवलिंग बल्कि अगर उस तालाब को खाली कराया जाता है तो कई ऐसे वहां पे प्रमाण मिलेंगे जिससे ये साबित होगा कि यहाँ पे शिवलिंग था और ये काशी विश्वनाथ की ही जगह है और काशी विश्वनाथ का मूल स्थान है। तमाम दलीलें जो है वो खास तौर पे हिंदू पक्षकारों की तरफ तैयार कर ली गई है क्योंकि वीडियोग्राफी की भी रिपोर्ट थी। अगर वीडियोग्राफी नहीं होती तो पहले सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता था, लेकिन अब क्योंकि वीडियोग्राफी हो चुकी है तो जाहिर तौर पर काफी तथ्य, काफी सबूत जो है वो हिंदू पक्षकारों के पास है और उन्हीं तथ्यों के आधार पे हिंदू संगठन चाहते हैं कि अब ये तालाब भी खाली हो जिससे कि आगे की कार्रवाई हो सके, आगे का सर्वे हो सके और पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो जाए कि ये स्थान जो है ये ज्ञानवापी मस्जिद का है या
विश्वनाथ कॉरिडोर का है। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि आज सुनवाई में क्या कुछ निकल के सामने आता है। अमित दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली से अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।